मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 24 घंटे में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की हदूद में दो मर्डर, एक सलमान ट्विस्टर और दूसरा सुरेश कुमार का कत्ल। सलमान ट्विस्टर पर कल हुए जानलेवा हमले में आज सुबह उसकी मौत वाकई हो गई। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। उबैदुर रहमान और इसके दो नामालूम दोस्त पर गुनाह नंबर 219/2024 नए कानून की दफ़ा 103/1 और 3/5 के मुताबिक गुनाह दर्ज। एक नौजवान को पवारवाड़ी पुलिस ने ताबे में लिया है। पुलिस का दावा है बहुत जल्द मुलजमीन सलाखों के पीछे होंगे। मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की केस रिपोर्ट के मुताबिक फिरियादी मोहम्मद नफीस, मोहम्मद शफीक, उम्र 48 साल, पेशा पावरलूम मजदूर, रिहाइश घर नंबर 11 गली नंबर 2 काली खोली गोल्डन नगर। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि मेरे बेटे गुलफाम मोहम्मद नफीस उर्फ सलमान, जिसकी उम्र 25 साल है, इसको नई बस्ती बारदान नगर के इलाके में 21 सितंबर को रात 7:30 बजे उबैदुर रहमान, पूरा नाम नहीं मालूम, इसके दो नामालूम दोस्त ने मिलकर डंडे, चाकू, कटर जैसी तेज़ धार धार हथियार से हमला करके इसके हाथ, पैर और सर में इतना शदीद जानलेवा वार किया कि इसकी चंद घंटों के दौरान इलाज आज सुबह मौत वाक़े हो गई। इस वाक़े की खबर DYSP सूरज गुंजाल को हुई और इनकी निगरानी में केस दर्ज किया गया और इस मामले में तपास अधिकारी जांच पड़ताल सुधीर पाटिल, पुलिस इंस्पेक्टर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। नासिक से एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम मौके वारदात पर पवारवाड़ी पुलिस के साथ तफ्तीश और तहकीक करते देखी गई। इस मामले में तीनों मुलजमीन में से एक नाबालिग लड़के को पवारवाड़ी पुलिस ने अपने ताबे में लिया है और हर जाविये से पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द ही कानून के हाथ इन तक पहुंचेंगे और मुलजमीन सलाखों के पीछे जाएंगे। दूसरा, मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन गुना नंबर 220/2024 भारतीय न्याय संहिता नए कानून के तहत 103/1 दर्ज दूसरे मर्डर केस में पूर्णिमा सुरेश कुमार, उम्र 35 साल, धंधा पेशा अल्फाइज कंपनी, मालेगांव, रिहाइश नस्तू कॉलोनी धीमापुर कोहिमा नागालैंड, कायम मुकाम अनवर सेठ का माला, दरे गांव शिवार मालेगांव। फिरियादी पूर्णिमा ने अपनी शिकायत में राजू राजन यादव, रिहाइश कटरा मैदनी गंज तालुका नगर कोतवाल ज़िला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि शिकायत कुनिंदा पूर्णिमा सुरेश कुमार की फिरियाद के मुताबिक आबिद अहमद मुख्तार अहमद के फार्म हाउस के पास सुबह 10:30 बजे इसके दूसरे पति शौहर सुरेश कुमार को राजू राजन यादव ने पैसों के लेन देन की वजह से इसने सर कान चेहरे पर तेज़ धार धार हथियार से हमला करके जान से मार दिया। बताया गया है कि मकतूल सुरेश कुमार निकोलस कुमार का बेदर्दी से कत्ल किया गया है। इस पूरे मामले की तहकीकात और तफ्तीश PSI किरण पाटिल कर रहे हैं। याद रहे कि कातिल राजू राजन यादव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल मालेगांव में कयाम किया हुआ है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फिरियादी ने अपनी केस रिपोर्ट में जो बातें पुलिस को बताई है वो कहानी अनोखी स्टोरी से कम नहीं है। पूर्णिमा का आज से 20 साल पहले जिस आदमी से इसका निकाह लगन हुआ वो कुतुबुद्दीन नामी शख्स था और इसे एक बेटी सफीना, दो लड़के जमील हुसैन और जलील हुसैन और एक नवासी और एक नवासा, एक बड़ा लड़का बागुल और इसकी बीवी, इस तरह 6 लोगों पर मुश्तमल फैमिली ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। 15 साल कबल कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया और इसके इंतकाल के 5 साल बाद इसने दूसरा निकाह लगन सुरेश कुमार निकोलस कुमार से, दूसरा
शादी कर लिया और सुरेश कुमार देवसा फायर कंपनी मालेगांव इकबाल सेठ की तरफ काम करता था। सुरेश कुमार ने राजू राजन यादव से पैसे लिए थे। राजू अपने पैसों का तकाजा सुरेश कुमार से कर रहा था, लेकिन पैसे न होने की वजह से इसने मोहलत मांगी। लेकिन राजू राजन यादव उत्तर प्रदेश रिहायशी ने कत्ल करके अपने पैसों का इंतकाम लिया, हाथ में लेकर बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा। पवारवाड़ी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है।